नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस पूरी वीडियो में आपको बताऊंगा सैनिक मिलिट्री स्कूल के एग्जाम सेंटर्स के बारे में कि एग्जाम सेंटर कौन कौन से आप चूज कर सकते हैं। टोटल ऑल ओवर इंडिया में 36 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं और उसके डिफरेंट डिफरेंट कोड रखे हैं। तो जब आप लोग फॉर्म भरेंगे तो आपको ये कोड पता होना चाहिए। तो आपको इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। और टोटल फॉर्म के अंदर तीन चॉइस मांगे गए हैं, तो आप कोई भी तीन एग्जाम सेंटर चूज करके अपने बच्चे को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्लास 9th और क्लास 11th के लिए पेपर दिलवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली बात करेंगे कि कैसे आप लोगों को एग्जाम सेंटर चूज करना है। तो वन बाय वन मैं एक एक एग्जाम सेंटर आपको बताऊंगा। और सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट, सबसे पहला जो एग्जाम सेंटर है वो है अंबाला। तो अगर आप नियर बाय पंजाब हरियाणा से बिलोंग करते हैं, नियर बाय हरियाणा से हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम सेंटर होगा अंबाला, और जिसका कोड रखा गया है 11 नंबर। आगे चलते हैं और नेक्स्ट एग्जाम सेंटर की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम सेंटर है आपका बठिंडा, और इसका जो कोड रखा गया है वो 12 रखा गया है। तो जब आपको फॉर्म भरना है तो टोटल तीन एग्जाम सेंटर चूज करने हैं। प्रायोरिटी वाइज सबसे पहला जो आपको मिलेगा फर्स्ट चॉइस, अगर उसमें आपका नंबर नहीं पड़ा, फॉर्म लेट भरोगे तो आपको सेकेंड चॉइस मिलेगी, और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे फॉर्म भरोगे तो थर्ड चॉइस मिलती है। नेक्स्ट एग्जाम सेंटर आपका भोपाल, और जिसका जो सेंटर कोड रखा गया है वो रखा गया है 13। अगला जो है वो चंडी मंदिर है। तो अगर आप चंडीगढ़ के आसपास एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए चंडी मंदिर सबसे बेस्ट एग्जाम सेंटर रहेगा, और जिसका कोड रखा गया है सेंटर कोड 14। आगे चलते हैं चेन्नई। चेन्नई जो है उसका कोड रखा गया है 15। अगर आप लोग दिल्ली के आसपास बिलोंग करते हैं, गुड़गांव से, नोएडा से, गाजियाबाद से, तो आपके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम सेंटर रहेगा दिल्ली का, जिसका सेंटर कोड रखा गया है 16। दीमापुर, दीमापुर जो है वो 17 कोड रखा गया है दीमापुर के लिए। तो ये सारे एग्जाम सेंटर कोड आपको पता होना चाहिए। अगर आप राजस्थान से हैं और जयपुर बिलोंग करते हैं, जयपुर के आसपास बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा जयपुर, और इसका कोड है 18। जलंधर, अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, लुधियाना, जलंधर, मोगा के आसपास रहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा जलंधर का एग्जाम सेंटर कोड, और इसका जो कोड है वो 19 रखा गया है। जम्मू, तो पूरे जम्मू एंड कश्मीर के लिए अगर आप जम्मू से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जो सेंटर कोड रखा गया, जम्मू से बिलोंग करते हैं, कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए जम्मू सेंटर कोड रखा गया है, और सेंटर कोड 20 बनाया गया है। हर साल ऑलमोस्ट ये एग्जाम सेंटर कोड सेम रहते हैं। अगर आप कोलकाता से बिलोंग करते हैं, तो पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए जो सेंटर कोड बनाया गया है वो है कोलकाता, जिसका सेंटर कोड है 21। और अगर आप लोग लेह से बिलोंग करते हैं, यानी अगर आप श्रीनगर और जम्मू में कंफर्टेबल नहीं है, उसके आसपास कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि लेह काफी अलग पड़ जाता है, तो लेह में अलग से सेंटर कोड बनाया गया है, और सेंटर कोड जो रखा गया है वो है 22 लेह वालों के लिए। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं और लखनऊ, आपके लिए कोड बनाया गया है, तो 23 कोड नंबर है लखनऊ का यूपी वालों के लिए। अगर आप मथुरा से बिलोंग करते हैं तो आपको सेंटर कोड डालना है 24। अगर आप मथुरा के आसपास के एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपके आपको सेंटर कोड चूज करना है 24। और अगर आप राजस्थान से हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर में जाकर के भी आप एग्जाम दे सकते हैं, सेंटर कोड 25 बना गया है। अगर आप कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, बेलगांव के आसपास रहते हैं, तो आप डायरेक्टली राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगांव में जाकर के फॉर्म भर सकते हैं, पेपर दिलवा सकते हैं, और इसका जो सेंटर कोड बनाया गया है वो बनाया गया है 26। आगे चलते हैं, अगर आप कर्नाटक से हैं और बेंगलुरु के आसपास रहते हैं, तो आपके लिए जो एग्जाम सेंटर कोड बनाया गया है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बैंगलोर बनाया गया है, 27 सेंटर कोड रखा गया है। और अगर आप हिमाचल के आसपास बिलोंग करते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, जो आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल में जाकर के आप डायरेक्टली एग्जाम सेंटर भर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। तो हिमाचल वालों के लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि वहां से कन्वीनियंट है, तो आप वहां जाकर के आराम से अपना फॉर्म भर सकते हैं और पेपर दे सकते हैं। सेंटर कोड बनाया गया है 28। तो जितने ही बच्चे शिमला से बिलोंग करते हैं, चैल से बिलोंग करते हैं, चैल के आसपास दक्षाई और जो बीच का एरिया पड़ता है, सोलन, कालका,
तो ये सभी बच्चे जाकर के चैल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल में भी जा सकते हैं, घूमकर आइए, बहुत ही जबरदस्त जगह है। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और धौलपुर के आसपास रहते हैं तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में जाकर के आप भर सकते हैं फॉर्म, 29 नंबर कोड रखा गया है। और अगर आप जम्मू के आसपास से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए रखा गया नगरोटा। नगरोटा जो है वो जम्मू के पास है, तो जम्मू एक अलग कोड बनाया गया है, सेंटर बनाया गया है, और नगरोटा एक अलग सेंटर बनाया गया है 30, और इसका कोड है 30। तो अगर आप महाराष्ट्र से हैं, पुणे के आसपास रहते हैं, तो आपके लिए एग्जाम सेंटर बनाया गया है 31। सिल्लीगुड़ी वालों के लिए बनाया गया है 32, सिल्लीगुड़ी 32 एग्जाम सेंटर कोड बनाया गया है। और श्रीनगर को एक अलग से एग्जाम सेंटर दिया गया है, 33 एग्जाम सेंटर बनाया गया है, कोड बनाया गया है श्रीनगर वालों के लिए। अगर आप असम के आसपास हैं, तेजपुर से बिलोंग करते हैं, तेजपुर के आसपास हैं, तो आपके लिए एग्जाम सेंटर कोड बनाया गया है 34। और अगर आप उधमपुर से बिलोंग करते हैं, उधमपुर के आसपास रहते हैं, आप देखिए कि कहाँ पे आप कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट है, 35 बनाया गया है आपके लिए एग्जाम सेंटर कोड। और योल कैंप आपके लिए बनाया गया है 36, जो एग्जाम सेंटर बनाया गया है, कोड रखा गया है 36। तो अगर आप योल कैंप के आसपास रहते हैं तो आपके लिए बेस्ट एग्जाम सेंटर है। तो YouTube के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मेरी कोशिश है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स तक पहुंच पाऊं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे हिंदुस्तान से फॉर्म भरें, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का फायदा उठाएं। बहुत ही मिनिमम फीस में आप अपने बच्चों को ऑफिसर रैंक के लिए तैयार करवा सकते हैं। ये हमारा प्रोस्पेक्टस है जिसमें आपको पूरी डिटेल्स दी गई है, हर चीज बारीकी से डिटेल्ड तरीके से आपको दी गई है। आप इसको पढ़िए, पूरी जानकारी लीजिए, और जब आपको 100% सेटिस्फेक्शन हो तभी आप अपने बच्चे का एडमिशन हमारे विद्यालय में करवाइए। और आप अपने बच्चे को सैनिक स्कूल से भी कम फीस में हमारे विद्यालय में, बच्चों को आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून, गुरुकुल दक्षाई और सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी, इन सभी बोर्डिंग स्कूल के लिए, जो इंडिया के टॉप लेवल के बोर्डिंग स्कूल हैं, इनके लिए आप तैयारी करवा सकते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाई थी जिसमें एग्जाम सेंटर के बारे में बताया। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पर, यूट्यूब के ऊपर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प मिले, मिलिट्री स्कूल के बारे में जानकारी मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।